नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यूबॉर्न बेबी में, नवजात शिशु में दांतों का उगना। कितना समय लगता है उगने में, अगर सही समय पर नहीं निकलता है तो उसमें क्या कमी से नहीं निकल रहा है, या आपको क्या करना चाहिए, इससे संबंधित आज हम आपसे बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि दांत निकलने का जो एक एवरेज समय रखा गया है वो है 6 से 7 मंथ। 6 से 7 मंथ तक अगर आपके बच्चे में दांत नहीं निकलता है, कोई दांत नहीं उगता है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे में कोई कमी है जिसकी वजह से ये दांत नहीं आ रहा है। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें इन चीजों के लिए, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दांतों का नहीं निकलना कैल्शियम का एक कमी है जो कि बच्चा में देखने को मिलता है। फीडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं 6-7 मंथ में नॉर्मली दांत बच्चे में आ जाना चाहिए। बच्चे में जब फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई कड़ा सामान नहीं देते हैं, उसमें सॉफ्ट जो होता है खिचड़ी दलिया यही हलवा इसी को शामिल करते हैं आप, क्योंकि उसके डाइजेशन में वो सही रहे और उसे चबाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी प्रकार से दांत 6 से 7 मंथ में आ जाना चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी है बच्चों में तो इसे निकलने में 12 से 13 मंथ भी लग सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें और कैल्शियम चलाएं। कैल्शियम की डोजेस 6 से 7 मंथ है तो आप अपने बच्चे को ऑस्टो कैल्शियम दे सकते हैं। ऑस्टो कैल्शियम बहुत ही कारगर बच्चों में दवा माना जाता है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। आप उसे दे करके उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऑस्टो कैल्शियम की डोजेज की जहां बात करें तो 6 मंथ का अगर आपका बच्चा है तो आप 1.5 ml डोजेज डेली चला सकते हैं, 2 समय सुबह शाम 1.5 ml उसको दे सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स 1.5 ड्रॉप के आसपास आता है। तो अगर ऐसा आप करते हैं 10 से 15 दिन या 1 मंथ चलाते हैं तो बहुत ही जल्द आपके बच्चों में दांत उगना प्रारंभ हो जाता है, या उसकी कैल्शियम की, उसकी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। धन्यवाद।